दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, जिसे तुंगनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। तुंगनाथ भगवान शिव के पंच केदार में से एक है। उत्तराखंड में शिव जी के पांच प्राचीन और पवित्र मंदिर स्थित हैं, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। तुंगनाथ मंदिर 3,680 मीटर यानी 12,073 फीट की ऊंचाई पर चंद्रनाथ नाम के पर्वत पर मौजूद है। यह उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तुंगनाथ का शाब्दिक अर्थ चोटियों के भगवान है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल जितना पुराना बताया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक तुंगनाथ मंदिर की नींव महाभारत के अर्जुन द्वारा रखी गई थी। एक प्रचलित कथा के अनुसार तुंगनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर मान्यता है कि हजारों साल पहले पांडव भाइयों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर की स्थापना की थी। दरअसल महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने ही भाइयों और गुरुओं का वध किया था। ऐसे में पांडवों पर अपने ही रिश्तेदारों की हत्या का पाप था। इसे ऋषि व्यास ने पांडवों से कहा कि वह तभी पाप मुक्त हो सकते हैं जब भगवान शिव खुद उन्हें माफ करेंगे। इसके बाद पांडवों ने शिव जी की तलाश शुरू कर दी और वे हिमालय जा पहुंचे। बहुत परिश्रम के बाद भोलेनाथ एक भैंस के रूप में दर्शन देते हैं। हालांकि इसके बाद भी भगवान शिव ने उन्हें टाल दिया क्योंकि पांडव दोषी थे। तब शिव जी भूमिगत हो गए और बाद में उनके शरीर यानी भैंस के पांच अंग अलग अलग जगहों पर उठ गए। इन पांचों जगहों पर पांडवों ने शिव मंदिर बनवाए। इन पंच केदार के प्रत्येक मंदिर को भगवान शिव के शरीर के एक अंग के साथ पहचाना जाता है। तुंगनाथ पंच केदार में से एक है जहां भगवान शिव के हाथ मिले थे। इसी के आधार पर मंदिर का नाम भी रखा गया। तुंग का अर्थ हाथ और नाथ भगवान के संदर्भ में कहा गया है। पंच केदार में इसके अलावा केदारनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर मंदिर आते हैं। केदारनाथ में भगवान शिव की कुबड़ प्रकट हुई थी। रुद्रनाथ में उनका सिर, कल्पेश्वर में बाल, जबकि मध्य महेश्वर मंदिर में शिव जी की नाभि प्रकट हुई थी। यह जगह बेहद ही ठंडी है। सर्दियों के मौसम में यह बर्फ की चादर में ढक जाती है और तापमान इतना गिर जाता है कि इस दौरान मंदिर बंद कर दिया जाता है। इस दौरान देवता के प्रतीकात्मक मूर्ति और पुजारियों को मुख्य मंदिर से 19 किलोमीटर दूर मकू मठ ले जाया जाता है। हालांकि अप्रैल से नवंबर महीने के बीच मुख्य मंदिर में ही पूजा और दर्शन किए जाते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।